जब हमारी महिला पहलवान इनके पास गई थी न्याय की गुहार लगाने के लिए। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में बीजेपी की हालत लगातार खराब होती जा रही है। तमाम रैलियां, तमाम सभाएं बीजेपी की फ्लॉप साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक हरियाणा में रैली कर चुके हैं, बावजूद इसके बीजेपी को लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। इस बीच आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पानीपत में गौरव शैली रैली को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन उन्हें भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने पहलवानों के समर्थन में पानीपत पहुंचे अनुराग ठाकुर का विरोध किया और उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बीच में ही झड़प भी हो गई। आरोप है कि पुलिस ने कई आप कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की की और उन्हें सड़क से हटाया। इस दौरान दो कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें भी आई है। वही आम आदमी पार्टी की ज्वाइंट सेक्रेटरी रेणु नारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अनुराग ठाकुर का विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमसे झड़प की, आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब जब खट्टर डरता है पुलिस वालों को आगे करता है। इसके साथ ही उन्होंने पहलवानों के मुद्दे पर भी अनुराग ठाकुर को घेरा। सुनिए आप भी आम आदमी पार्टी की ज्वाइंट सेक्रेटरी रेणु नारा ने क्या कुछ कहा। माननीय पुलिस अधीक्षक पानीपत जी, आपकी टीम आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी आम आदमी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए आई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपका, आपकी लीडरशिप है, ये आए सीआई आ रही, कोई भी आए, हमें कोई दुख नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन फिजिकल टच करके चाहे आदमी हो चाहे महिला हो ये करना गलत है। हम रोड के इस पार खड़े थे, अनुराग ठाकुर है सिर्फ उसका विरोध करने के लिए, गो बैक करने के लिए। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, तो क्यों बार बार जो पुलिस है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही ऊपर जो है वो अत्याचार करती है, क्या कारण है ऐसा? इस अनुराग ठाकुर को शर्म नहीं आई थी जब हमारी महिला पहलवान इनके पास गई थी न्याय की गुहार लगाने के लिए? लेकिन नहीं जी, ये देखिए सीआईए हो पुलिस हो सारे हो, बनाइए सर वीडियो, बहुत बनाइए आप। तो देखा आपने किस तरह से लगातार बीजेपी के नेताओं बीजेपी की मंत्रियों का विरोध किया जा रहा है, और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी अमित शाह के हरियाणा दौरे का किसान से लेकर सरपंच तक विरोध कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा जनसंवाद कार्यक्रम ही विरोध के चलते सुर्खियों में रहा था। ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव हरियाणा में जीत पाना काफी मुश्किल भरा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।